A very good morning to class 8th. In the previous class, we have completed our poem, The Ant and the Cricket. Now we are going to start the chapter 2, The Tsunami. आपने पहले अपनी पढ़ा होगा इसके बारे में न्यूज़पेपर में कि 2006 में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी हिट द आइलैंड ऑफ थाईलैंड. कहाँ पर आई थी? थाईलैंड. और उसकी वजह से इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट, जो तमिलनाडु का कोस्ट था वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था. इसमें जो टी है वो साइलेंट है. हमने कई वर्ड्स यू हैव रेड अबाउट स्टडीड अबाउट वेरियस वर्ड जिनमें फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है और हम सेकंड जो अल्फ़ाबेट होता है उससे स्टार्ट करते हैं. तो इसमें भी टी जो है वो क्या है? साइलेंट है. एंड वी विल स्टार्ट विथ एस. तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? सुनामी. सबसे पहले यहाँ पर ब्रीफिंग दी हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जहाँ पर इसने हिट किया था. Now there are some sentences, इधर साइड में sentences दिए हुए हैं और इनको आपको क्या करना है? करेक्ट करना है. तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ हियर. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. Tsunami किस तरीके से आई थी? जब जो सी थी उसके नीचे अर्थक्वेक आए उसके कारण सुनामी एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव्स थी, लहरें थी जिसने बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर मचाया था. On 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand, जैसा मैंने आपको भी बताया, and parts of India जैसे सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. Here are some stories of courage and survival. यहाँ पे कुछ stories हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा साहस और किस तरह लोगों ने survival किया उसके बारे में बताया जाता है. Did animal sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did. ऐसा कहते हैं कि जो animals होती है उनकी जो smelling power इतनी या उनकी जो सेंसिंग पावर इतनी सॉलिड होती है कि उन्हें पहले से ही कोई भी खतरा आता है तो उन्हें पता चल जाता है. और उन्होंने सुनामी को क्या कर लिया था? गेस कर लिया था. दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एंड आर्चिपेलागो. आर्चिपेलागो होती है खूब सारे, जो साइड में देखिए मीनिंग दिया हुआ है आर्चिपेलागो का, कि जो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है आर्चिपेलागो. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. इग्निशियस क्या था? एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन कच्छल. हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. यू नो कि हम जब अर्थक्वेक, हमें भी फील होता है कई बार ऐसा, वो होता है कि हमें भी धीरे राइज हो रहा है. इन द चाउज, चाउज मतलब चिल्लाना, चाउज एंड कन्फ्यूजन. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ हिज देयर मदर फादर एंड मदर्स ब्रदर. उन्होंने क्या किया? अब एक बच्चे ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया एंड मदर्स ब्रदर कौन हो गए? मामा का. एंड रश्ड इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे. ही नेवर सॉ देम अगेन, और उन्होंने इसको कभी वापस नहीं देखा. ओनली हिज वाइफ वॉज ओनली ऑल्सो स्वेप्ड अवे, और उनकी वाइफ भी बह गई उसी के साथ. ओनली द थ्री चिल्ड्रन केम हु केम विथ हिम वर सर्वाइव्ड, बट जो तीन बच्चे थे उनके साथ आए सिर्फ वही बच गए. संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. Sanjeev एक policeman था, कहाँ पर? कच्छल में उनकी duty थी. तो उन्होंने क्या किया?
वहाँ पर वो रह रहे थे, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को बचा लिया किसी ना किसी तरीके से, अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर को फ्रॉम द वेव्स. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ फाइव ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. अब उन्हें थोड़ी देर बाद में जॉन की संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. रेस्क्यू हर क्या होता है बेटा, बचाना, किसी की जान बचाना. तो संजीव पानी में कूद गए उसे बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और दोनों ही उसमें क्या हो गए, बह गए. 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग. स्वेप्ट अवे का मतलब हो गया बह जाना, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. जो मेघना एक बच्ची थी 13-year-old, वो क्या हुआ, 77 जो अदर लोग थे उनके साथ क्या हो गई, बह गई. शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और 2 दिन तक वो बहती रही होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, मतलब एक लकड़ी के दरवाजे की सहायता से वो 2 दिन उसने क्या करते हुए, फ्लोट करते हुए गुजारे पानी में. 11 times शी सॉ रिलीफ हेड हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर. 11th time जब उसने अपने ऊपर बचाव दल के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको देखा, मतलब 10 बार उसके साथ ऑलरेडी हो गया था, फिर भी इस बार भी दे डिड नॉट सी हर, और उसको इस बार भी उन्होंने नहीं देखा. She was brought to the shore by a wave, और वो शोर मतलब किनारा, बहते हुए कहाँ पर आ गई, किनारे पे आ गए. एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और किसी को वह समुद्री का जो तट था, मतलब जो किनारा था, वहाँ पर बेहोशी की हालत में मिली. एलमस जावेद वॉज 10 years old, 10 years old बॉय था. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर एक जगह है अंडमान एंड निकोबार में, और वहाँ पर उसके फादर का क्या था, एक पेट्रोल पम्प था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो फैमिली कहाँ गई हुई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर. When the tremors came early in the morning, जैसे ही झटके आए early morning का, the family was sleeping. Family क्या कर रही थी, it was sleeping. Alma's father saw the sea water recede, और उन्होंने देखा कि जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी को पीछे, मतलब पीछे जा रहा है धीरे धीरे, रिसीड मतलब पीछे जाना. He understood that the water would come rushing back with great force. अब उन्होंने देखा कि पानी पीछे तो जा रहा है, पर उन्होंने अंदाज़ा हो गया था कि अब एक प्रेशर के साथ आगे आएगा. He woke up everyone and tried to rush them to a safer place. But उन्होंने ट्राई किया कि वो सबको जगा दे और एक सेफ प्लेस पर ले जाए. As they ran, her grandfather hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो भाग रहे थे इतनी हड़बड़ाहट में, उनके जो grandfather थे उनका सर किसी चीज़ से टकराया और वो नीचे गिर गए. Her father rushed to help him, और उसके father भागते हुए उनकी help करने गए. Then came the first giant wave that swept both of them again. First बहुत ही भयानक giant wave आई और उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अब Alma's की जो mother थी और उनकी मौसियाँ नारियल का जो पेड़ था उसकी पत्तियों को पकड़ कर कस के खड़ी हो गई और उन्हें बुला रही थी. A wave uprooted the tree, और uprooted मतलब हो गया जड़ सहित ही उखाड़ दिया. एक wave ऐसी लहर आई तेज and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. Alma's ने देखा एक लकड़ी का जो लट्ठा था या गट्ठा था वो बह रहा था. She climbed on it, और वो उसके ऊपर चढ़ गई. Then she fainted, और वो क्या हो गई, faint मतलब बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Kamotra. जब वो उठी या बाहर आई बेहोशी की हालत से, उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. द लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन. शी वॉज स्टिल ट्रामेटाइज्ड. अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, डीपली शॉक्ड थी. ट्रामेटाइज मतलब डीपली शॉक्ड, और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड थी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट टू एनी वन.
So this is all for today. You have to do hard words of this chapter. We will continue the same chapter tomorrow. Thank you.